25, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर में अब लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस चलेंगे। अब तक हमने देखा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ पर्संस चेंज नहीं होंगे, तो एवरेज केवल डिपेंड करेगा सम के ऊपर। सम बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, सम घटेगा तो एवरेज घटेगा। लेकिन अब अगर कुछ पर्संस इंक्लूड कर लें, किसी पर्सन को हम हटा दें, तो देखते हैं एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक बेसिक का मतलब आप जानते हो ना, आम जिंदगी। क्या है वो? कह रहा है 14 गर्ल्स एंड देयर क्लास टीचर, मीन्स टोटल हो गए 15 टोटल पर्संस। पर्संस लिखेंगे खाली, टोटल मत लिखो। कितने पर्सन हो गए भाई? 15। इनका जो एवरेज है, एवरेज किसी भी चीज का हो सकता है, वो एज का दिया हुआ है 15 ईयर। तो क्या मैं सबकी एज निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा टोटल एज का, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम आ जाता है। तो यहाँ गया 225, 15 का स्क्वायर। कह रहे हैं टीचर को हम एक्सक्लूड कर दें तो केवल 14 गर्ल्स रह जाएंगी, तो हमारे पास पर्सन 14 बचेंगे। एवरेज रिड्यूसेस बाय 1, तो एवरेज अगर पहले 15 था तो अब 14 बचेगा, ये हुआ 196। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे ये पता लगेगा कि जो पर्सन कम हुआ है, कितने पर्सन कम हुए हैं? एक। उस एक पर्सन की जो कि टीचर है उसकी एज क्या है? तो 15 में से 6 हो जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 ईयर। बोलो समझ में आई बात? एक बार इसको देखो, नोट करो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या सोचना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन के रूल आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर किन्हीं दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों साइन कैसे हो? माइनस के, तो आंसर प्लस में आता है। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में, और प्लस माइनस से भी किस में आता है? माइनस में। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला वाला आपको साइन सिंबल दिखा रहा है कि ये चीज़ हमारे को रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ पर्सन के लिए। ऑब्वियसली या तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे या घटेंगे, उनके आने या जाने से आपके एवरेज पे क्या फर्क पड़ा? तो ये चीज हमारे को दूसरी देखनी है कि एवरेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, मींस एवरेज में हमें चेंज देखना है। तो चेंज एवरेज का देखेंगे तो वो प्लस में मिलेगा या माइनस में। अब देखो करना क्या है, तरीका समझा रहा हूं। आप सबसे पहले लिखेंगे पर्सन। पर्सन आपके पास है 15, इनका जो भी आपको एवरेज दिया जाएगा आप वो लिख लेंगे। 15 पर्सन का एवरेज है 15। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे कितने पर्सन गए या कितने पर्सन आए। हमारा एक पर्सन चला गया जो टीचर था, टीचर के जाने के बाद रह जाएंगे ये 14। अब आती है असली कहानी। 15 के आगे अगर आप एवरेज लिखोगे तो 14 के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ब्लैंक स्पेस खाली छोड़ना है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है इसके आगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था पहले, 14, यहाँ हमें कुछ भी नहीं लिखना। बात समझ आई? 15 का एवरेज 15, 14 का एवरेज हमें नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे एवरेज में? हम चेंज लिख लेंगे कि एवरेज में क्या चेंज हुआ टीचर के जाने से। टीचर के जाने से जो एवरेज एज है वो कम हो गई, कितने साल? एक साल, रिड्यूस हो गई। रिड्यूस के लिए हमने बताया कैसा साइन होगा, माइनस का। टीचर गया है तो उसके लिए भी साइन कैसा है? माइनस का। अब आपको ध्यान से समझना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे कैसा साइन है भाई? माइनस का। यहाँ पे कैसा साइन है? माइनस का। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर वो चेंज एक की वजह से है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 14 वन ज़ा 14। क्यों हमने किया चेंज? जो 1 ईयर का चेंज था हमने क्यों उससे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अगर एक एक साल कम एज होगी एवरेज एज, तो 14% तक एज कितनी कम हो जाएगी? 14 कम हो जाएगी।
माइनस माइनस जैसे ही हम प्लस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपको आंसर मिला है वो एग्जैक्टली सेम है आपके उस आंसर से जो आपने बेसिक से निकाला था। ये मेंटोस जिंदगी है। एक बार दोबारा से हम इस सवाल को पढ़ेंगे और फिर आप इसको दोबारा से करके देखेंगे अपनी नोटबुक में, तो आपका गलती नहीं होगी एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है एवरेज एज ऑफ फोर बॉयज ए बी सी एंड डी इज 5 ईयर्स। तो एक बार सवाल में हमें चार प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी और डी, फोर पर्सन है और एवरेज एज है हमारे पास में इनकी 5 ईयर। तो वो बोल रहा है एज ऑफ ए बी डी ई इज 6 ईयर्स, ए बी डी ई इज 6 ईयर्स, और ये भी कितने पर्सन है, चार पर्सन है। सी इज 8 ईयर ओल्ड, सी की एज लिख लेते हैं 8 ईयर, हमें ई की एज बतानी है, हमें किसकी एज बतानी है, ई की। तो अब ये ना हम डायरेक्ट उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे चार एलिमेंट है ना तो हमारे पास अगले में भी चार हैं, तो तीन कॉमन होने चाहिए थे, कॉमन तीन है ही नहीं, ए और बी कॉमन है खाली। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसका टोटल निकालते हैं, ए बी सी डी का टोटल आया कितना, 20 साल। अब इस 20 साल में सी जो 8 साल का है उसको निकाल देते हैं, तो बचेगा 12। 12 किस किस का टोटल होगा, ए प्लस बी प्लस डी, ए बी डी का टोटल कितना है, 12। अब आपकी ट्रिक भी लग सकती है और मेथड भी लग सकता है। तो अगर आप मेथड यूज कर रहे हो तो पहले प्रॉपर मेथड के थ्रू करो आप इस क्वेश्चन को। सोचो कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन यहां पर चार हैं और आपको एवरेज भी पता है, उन चारों का एवरेज है 6 ईयर, तो क्या आपको उनका टोटल पता लग जाएगा, 24। भाई 6 4 जा कितना हो गया, 24 हो गया, सही से लिख देते हैं इसको। 24 ईयर जो एज आई है वो किस किस की आई है, ए बी डी एंड ई की। अब जिसमें हम ये जानते हैं ए बी डी की एज कितनी है, 12। इसमें चार पर्सन है जिनमें तीन को कंबाइंड देखेंगे, ए बी डी को और लास्ट में देखेंगे ई को, तो ए बी डी की जो एज है वो है 12। तो 24 में अगर 12 के ए बी डी हो गए तो ई कितने का बचा होगा, वो भी 12 का बचा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है आपसे 5 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 25। तो मैंने लिखा 5 ईयर एगो, मैंने यहाँ पे लिखा पी और क्यू, यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज एज 25। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट में पी और क्यू टोटल कितने मेंबर हैं, दो पर्सन है, तो एवरेज एज क्या हो जाएगी भाई, चाहे कितने ही भी पर्सन हो, जितने साल हम पीछे हैं जितने हम आगे आएंगे हम डायरेक्ट एवरेज में उतना ऐड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 ईयर हो गया। समझ आई भी बात, क्यों ये बात आपके समझ में आई, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करोगे जो हमने आपको शुरुआत में डिस्कस किया था, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, शुरुआत के दौर में हमने वो क्वेश्चन किया था, ये देखिए ये है वो क्वेश्चन। हमने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, हर एक टर्म में इक्वल टर्म हम ऐड करते हैं तो एवरेज भी हमारा उतने ही टर्म से बढ़ जाता है। तो 5 साल में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि किसी एक पर्सन की ही एज बड़ी होगी, एज तो दोनों की बड़ी है, और दोनों की एज कितनी कितनी बड़ी है, 5 5। दैट मीन्स कि हमने 5 ईयर पी में भी ऐड किया है, 5 ईयर हमने क्यू में भी ऐड किया है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर 5 साल पहले पी और क्यू की एवरेजेज 25 साल थी तो अब उनकी एवरेजेज 30 साल है, और पी और क्यू दो मेंबर हैं। लेकिन एट प्रेजेंट की ही बात करेंगे, सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है आपको, एट प्रेजेंट में पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी क्यू आर कितने सदस्य हैं, तीन।
हमने देखा कितनी एंट्री हमारी बढ़ी, हमने कहा एक बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, एक, और ये कैसा साइन है, प्लस का। कितनी एज है, 25। तो मैंने अगर यहाँ पे 30 लिखा है तो मैं इसके आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो पहले अगर एवरेज एज 30 थी, 30 थी, तो अब एवरेज एज कितनी है, 25। एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज रिड्यूस बाय, आप ऐसे लिखेंगे, 5 ईयर। तो आप 3 से इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15। रिड्यूस के लिए कैसा सिंबल होता है वो देखेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का साइन होता है माइनस का। तो 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देखना, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एक चीज़ दोबारा आपको बोलूंगा, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी बोली थी कि जब तक आपका ये मेथड एकदम पक्का नहीं होता, आप इसको दोबारा देखिए। फिर पक्का होने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आने के बाद आपके दिमाग में यही मेथड आएगा सबसे पहले। अब इसके बेसिक रूल को समझो। अगर हम ये कहते कि 5 साल पहले P और Q का जो एवरेज है वो 25 है, P और Q कितने परसेंट है, 2। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे पता लग गया टोटल किसका, P+Q का, कितना आया, 50। लेकिन ये कब का है, 5 साल पुराना, मैंने लिखा एट प्रेजेंट। पी की एज में भी 5 साल इंक्रीमेंट हुआ और क्यू की एज में भी 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ, तो अब इनकी टोटल एज है 60 ईयर। एट प्रेजेंट में ही हमारे पास है पी, क्यू और आर, ये टोटल पर्सन है 3, और इनकी जो एवरेज एज है वो है 25। तो मींस इन तीनों का जो टोटल आने वाला है वो मल्टीप्लाई कर कर आएगा 75 ईयर। अब देखो एट प्रेजेंट में पी और क्यू तो कितने साल के हैं, 60 साल के। एट प्रेजेंट में पी, क्यू और आर कितने साल के हैं, 75 के। तो आप मुझे बताओ कि पी क्यू कितने साल के हैं। पी क्यू की एज है टोटल में 60। अगर वो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले हम इसमें से 75 में से, तो जो 15 ईयर आएगा क्या वो एज होगी आर की, जल्दी से बोलो क्या वो एज होगी आर की। यस, वो एज होगी बिल्कुल आर की। तो हमने दो मेथड देख लिए, दोनों से आपको मैंने ये समझा दिया, अब आपको ये आना चाहिए। 28th क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 8 टीचर्स इन स्कूल इज 40 ईयर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 8 लिखा टीचर, ठीक है, इनकी एवरेज एज पता है 40। अब कह रहा है ए टीचर अमंग देम डाइड एट एज ऑफ 55 ईयर, वेयर एज अनदर टीचर हुज एज 39 जॉइंस देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई चला गया, जो इस दुनिया से ही चला गया, तो कितने पर्सन हो गए होंगे, 7। लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर से वापस से कितने पर्सन हो गए होंगे, 8। यानी टोटल पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एवरेज जो चेंज होगा वो सम की वजह से होगा। मीन्स जो टीचर गया है और कोई टीचर आया है, अगर जाने वाले के बराबर आने वाले की एज आती है तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो जाने वाला कितने साल का था, ए टीचर अमंग देम डाइड ऑफ एज 55। 55 ईयर का अगर चला गया हमें छोड़ के और 55 ईयर का ही आता तो टोटल सेम रहता, लेकिन आने वाला कितने साल का है, 39 ईयर का। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा भाई मैं तो पहले से वाले से जवान हूँ, मैं पहले वाले से मेरी उम्र कम है, कितनी कम है, आने वाला कितनी कम है, जल्दी से बताओ। 15 में से 9 गया कितना बचा, 6। 4 में से 3 गया कितना बचा, 2। आने वाले की एज कितनी कम है भाई, आने वाले की एज 26 ईयर कम है। तो वो क्या सबका एवरेज कम कर देगा, फटाफट से बताओ। यस, सबका टोटल जो है वो सबका कम कर देगा। अच्छा कितना टोटल कम करेगा, ये 16 आएगा, 26 नहीं आएगा, रीजन है उसका, क्योंकि जब हमने कैरी किया था तो यहाँ पे 4 ही बचा था। तो 16 ईयर जब कम होंगे तो 8 पर्संस के कम होंगे, तो 8 2 जा कितना हुआ, 16। तो अब इसका मतलब जो पहले एवरेज एज थी, अब जो एवरेज एज आने वाली है वो हो जाएगी 2 साल कम, कितना आ जाएगा आंसर, 38 ईयर। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं,
अब ये सवाल आपसे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर फॉर 64 इनिंग्स इज 62 रन। ये ऐसा सवाल है और मैं इसकी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा, आपको कोई नहीं बताने वाला, गारंटी है ना। आपको वो कहीं इंटरनेट पे मिलेगा ना आप कहीं ऑफलाइन टीचर बताने वाले हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 99.99% विदाउट चेंज इन वैल्यू आएगा। विदाउट चेंज इन वैल्यूज कहाँ होंगी वो देखो। जब भी किसी क्रिकेटर की कुछ इनिंग्स का कुछ एवरेज होगा तो इसका मतलब है कि उसने 64 मैच खेले हैं, और उसमें अगर उसने एवरेज रन 62 उसका एवरेज रहा है तो इसका मतलब उसने हर इनिंग में 62 रन बनाए हैं। अगर मैं इसमें से एक्सक्लूड कर दूं, एक्सक्लूडिंग टू इनिंग्स, कौन कौन सी, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। कह रहा है इसका हाईएस्ट स्कोर इसके लोएस्ट स्कोर से 180 रन ज्यादा है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट अपने आप में कितनी इनिंग होती हैं? दो। तो ये तो एक डेफिनेट बात हो गई कि इनिंग आपकी दो ही कम होने वाली है। कितनी कम होंगी? दो। अब एवरेज जो होगा रिमेनिंग इनिंग्स 62 का, वो एवरेज आ गया 60। ये एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप इसको कैसे करते हो, मल्टीप्लाई करके। आप इसको कैसे करते हो भाई? मल्टीप्लाई करके करते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3968 और ये वैल्यू आ जाएगी 3720। तो आप एक बात बताओ, क्या हम इस वैल्यू में से 3720 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मुझे ये दो जो कि मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकाला है का टोटल पता लग जाएगा? बिल्कुल हमें टोटल पता लग जाएगा, जो आ जाएगा 842। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हम इसको बोलेंगे 248। वो ऑलरेडी बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो कितना है, जल्दी से बोलो, वो है 180। तो मैंने यहाँ पे 180 लिख लिया। अब हम ऐसे इक्वेशंस जो हमने बहुत सारी सॉल्व करना सीखी हैं 10th क्लास के अंदर, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाईएस्ट निकालने के लिए मिनिमम को काट दो तो 2 मैक्सिमम कितना बचेगा? 2 मैक्सिमम बचेगा 868। फटाफट से बताओ, यहाँ पे ऐड होगा, अच्छा, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है, तो ये हुआ 8 4 and 8 and 4 12, या 428। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, फटाफट से बता दो भाई, 214 रन आएगी कि नहीं आएगी? मैं अब आपको सलाह दूंगा कि ये मेथड है ना, आपको आना चाहिए, लेकिन इस मेथड से ना पेपर में करना नहीं है क्वेश्चन। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम इससे भी बेहतरीन कुछ आपको बताएंगे। देखो अब एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक वही है कि भाई अगर मुझे पता है इनिंग्स 64 है, अगर इनिंग चेंज हो रही है, नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो रहे हैं, तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। इनिंग है 64, एवरेज रन है 62। अगर मैं दो इनिंग घटा देता हूं तो मैंने लिखा है माइनस का 2। जैसे ही हमने माइनस का 2 लिखेंगे तो हमारे पास इनिंग रह जाएंगे 62। अब वही बात, अगर मैंने 62 लिखा है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैंने इसको छोड़ देना ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने इसको। तो मैंने देखा एवरेज में चेंज क्या आया, एवरेज में चेंज क्या आया, एवरेज में चेंज आया कि पहले अगर एवरेज 62 था तो बाद में एवरेज आ गया 60, मीन्स एवरेज भी रिड्यूस हो गया। दो से क्या हो गया, ये डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, कुछ भी कह लो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहा है ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है। एक की वजह से चेंज हो रहा है, दो की वजह से चेंज हो रहा है, जितनों की वजह से चेंज होता है हम उतने से डिवाइड करते हैं। अब से पिछले मेथड में क्वेश्चन में ये एक की वजह से चेंज हो रहा था, तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करी, तो हमें मिला 62 इंटू में 2। अब ये कितनों की वजह से है, ये है मेरे दोस्तों 2 की वजह से, तो मैंने इस 2 से डिवाइड किया, ये कितना आया 62। अब हमने देखा यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आया कितना 2 and 2 4, ये आ गया 124। अच्छा ये 124 क्या है, एवरेज है। किसका एवरेज है ये?
ये एवरेज होगा उन दो इनिंग्स का जो कि हम बोल रहे हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो अगर मुझे टोटल लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 आ जाएगा। ये वैल्यू हमें दे ही रखी है 180। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 2 max की वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से 428 मिली, और मैक्सिमम की वैल्यू 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 212। 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो है ना 4 बनेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर तक निकाल सकते हैं। तो अब हमने एक कोई नई चीज सीख ली कि जितना भी इनिंग से चेंज होता है ना उतने ही से ही हमें लास्ट में डिवाइड करना होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। अब उसके बाद है बिल्कुल मेंटोस जिंदगी, यानी कि एक सुपर सुपर ट्रिक जो कि आप यूज कर सकते हो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं बताता हूँ वो ट्रिक आपको कहाँ देखनी है। आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है और ऐसा जब जब होगा जब जब एवरेज भी 2 से कम होगा। देखो पहले एवरेज कितना था 62 रन और बाद में एवरेज कितना हो गया 60 रन, तो आपको तब तब ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब मेंटोस जिंदगी देखने की बारी है। मेंटोस जिंदगी क्या होगी, जब भी आपकी 2 इनिंग हटाई जाएंगी तो इनिंग तो आपकी 2 ही कम होंगी। बात समझ में आ रही है, इनिंग तो आपकी 2 ही कम होने वाली है। लेकिन जब जब एवरेज भी 2 से कम हो, और ऐसा कब होगा, मैंने हिंदुस्तान में अपने भारत देश में कोई एग्जाम ऐसा नहीं देखा, कोई किताब ऐसी नहीं देखी जिसमें एवरेज 2 से ज्यादा से कम हुआ हो। एवरेज तो डिक्रीज होगा लेकिन 2 से ज्यादा से होगा आज तक मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो हम 100% की कंडीशन को मान लेते हैं कि भाई इनिंग भी 2 से कम होने वाली है पेपर में और एवरेज भी 2 से कम होने वाला है। तो आपकी ट्रिक होगी इनिंग प्लस रन या फिर रन प्लस इनिंग, इससे करके आपको मिल जाएगा एवरेज। अगर एवरेज मिल गया तो आप टोटल भी निकाल लोगे। देखो और ये कैसे देखना है, आपको एक लाइन में एक ही चीज उठानी है। मान लीजिए पहली लाइन हम पढ़ते हैं, बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर फॉर 64 इनिंग। मैंने यहां से उठाया इनिंग को तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरे लिए ये वैल्यू हुई 64 प्लस। मैंने आगे पढ़ा, मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट को हटाया, एक्सक्लूड करने के बाद रिमेनिंग का एवरेज, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 62 इनिंग, क्योंकि इनिंग में ले चुका हूं तो अब मुझे लेना है रन। रन मैंने दूसरी लाइन से उठा लिए तो ये वैल्यू कितनी आई 124। ये क्या है एवरेज, तो टोटल हो गया 248। अगर टोटल 248 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी 248, और ए माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है। इसमें भी ट्रिक होती है, अगर आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। ये बात है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 428 आया, और मैंने 2 से जब इसको डिवाइड किया तो मेरे को मिल गया मैक्सिमम। समझ में आया, तो हमें इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे हो सकता था कि रन प्लस इनिंग करते तो आप क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर 64 इनिंग, इनिंग छोड़ दो, यहाँ से 62 को उठा लो, फिर आगे जब हमने 2 इनिंग हटा दी तो सोचो 64 थी, 2 हटाने के बाद कितनी रह जाएंगी, 2 हटाने के बाद 62 रह जाएंगी। जब हमने इनको ऐड किया तो वी 124 आया। जब 124 आ गया तो ये एवरेज है, इसको टोटल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से निकाल लोगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज, ए क्रिकेट बैट्समैन हैड 50 रन एवरेज ऑफ हिज 15 इनिंग्स, मींस अब तक उसने 15 मैच खेले हैं ऐसा मान लेते हैं, और उसका एवरेज जो है वो 50 रन है। वो पूछ रहा है हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट मैच सो दैट एवरेज डिक्रीजेस बाय 2। भाई नेक्स्ट मैच कौन सा होगा, 16th होगा, इनिंग हमारी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से कराने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे अगर एवरेज लिख रहे हैं पहले तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एवरेज में क्या चेंज हुआ।
हमें पता है एवरेज डिक्रीज हो गया 2 से, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, हमेशा करना है, 32 आया। क्यों आया 32? हमने 32 को डिवाइड क्यों नहीं किया? एक्चुअल में अगर 32 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 32 ही रहेगा। जितने भी पर्सन होते हैं ना, उनसे डिवाइड करना होता है। तो 16 2 जा 32, 32। अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस हुआ माइनस, कितना आया भाई? 18 आया। तो मतलब ये हुआ कि वो अपने नेक्स्ट मैच में 18 रन बनाएगा और अपना स्कोर, एवरेज स्कोर 2 से कम कर लेगा। बोलो बात समझ में आई? तो बहुत ही आसान बात थी ये, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो। अब हम इसी सवाल को करेंगे अपने बेसिक मेथड से, ताकि आपको बेसिक भी समझ में आए, और फिर इसी क्वेश्चन से मैंने एक बहुत ही अच्छा सवाल बनाया, वो भी समझ में आए। तो भाई दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए था? आप ये सोचते कि अगर उसके पास 15 इनिंग्स के रन हैं, आप कहेंगे सर रन नहीं है, एवरेज है। मैं कहूंगा मेरे दोस्त, अगर एवरेज है तो रन भी तो है, टोटल रन कितने बनाए हैं, तो मल्टीप्लाई करके निकल जाता 750। अब अगला मैच होगा 16th, और अगर एवरेज 2 से कम हो गया तो एवरेज रह जाएगा 48। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 768। तो इसका मतलब है कि उसके 768 जो टोटल रन हैं, उसमें कुछ रन तो ऐसे हैं जो उसने 15th इनिंग तक बनाए हैं, अप टू 15th इनिंग तक उसने कुछ रन बनाए हैं, जो हमें मालूम भी है। 750 रन उसके 15th इनिंग तक के थे, तो 16th में उसने कितने बनाए होंगे? भाई आप खुद देखो कितना बढ़ गया, कितना हमारा चेंज हुआ। तो उसने कितने रन बनाए? 18 रन बनाए। समझ में आया? मैंने अभी पीछे भी बताया था तो आंसर 18 ही आया था। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पीछे वाला एक बार और बता दो। देखो यही बताता हूँ मैं आपको, इनिंग लिखनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 15, आप एवरेज लिख लो कितना आया 50। अगर नेक्स्ट होगी 16 तो ये देखा करो सबसे पहले कितनी चेंज हो रही है, एक इनिंग चेंज हो रही है, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आपका आंसर निकल सकता है। देखो एवरेज कितना घटा या बढ़ा, एवरेज 2 से घट गया, तो 16 2 जा कितना हुआ 32, यहाँ पे आया प्लस, यहाँ आया माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 18। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। आपको कुछ 750 वगैरह 768 वगैरह निकालने की जरूरत पेपर में नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक क्रिकेट बैट्समैन हैड सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर इज 15th इनिंग, यानी कि उसकी 15 इनिंग तक का कुछ एवरेज था, ठीक है। इन इज 16th इनिंग में उसने रन बनाए 18 और एवरेज डिक्रीज कर दिया 2 से। यार ये कहानी तो कुछ कुछ ऐसी लग रही है मुझे, यही वो खिलाड़ी था जिसकी 15 इनिंग का कुछ एवरेज था, हमें नहीं पता क्या था। अब हम इसको गायब कर देते हैं। ये लो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन 30 के बारे में मत सोचने लगना, हमने इसको गायब कर दिया। अगर इसका 15 का कुछ एवरेज है, 16 में आके ये कुछ रन बनाए, कितने रन बनाए 18, और एवरेज भी 2 से कम कर ले, तो ये उसी कहानी की बात हो रही है, लेकिन शब्दों का चयन हमने दूसरा किया है, शब्द बदल दिए हैं, है ना, ने वर्ड्स हमने चेंज कर दिए। एक क्रिकेटर है, उसने 16th में 18 रन बनाए, जरूरी थोड़ी है कि 17 मैच खेलेगा। इससे पहले कितने खेले थे इसने? 15th मैच खेले थे, है ना, इसके पुराने कितने मैच हैं? 15। आप देखो उसकी इनिंग कितनी कम हो रही है, एक। अगर मैंने यहाँ पे इसको लिखा है तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया। एवरेज भी कम हुआ कितने से? 2 से, एवरेज डाउन हो गया। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 15 2 जा मुझे मिला कितना 30। अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, दिस इज 48। तो जो 48 आया है ना, ये होगा आपका न्यू एवरेज, नया औसत होगा 48 रन। कंपेयर करते हैं अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को। अगर उसका नया एवरेज 48 है तो पुराना क्या रहा होगा? पुराना इससे 2 ज्यादा होगा, यानी पुराना 50 होगा। 50 कितने तक इनिंग तक का कहलाएगा? वो 15 इनिंग तक का ही तो कहलाएगा, सर्टेन एवरेज जो 15 इनिंग। समझ में आया? तो एक सवाल दो तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है।
कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। अब जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन है। ये जो सवाल आपको पेपर में कभी मिले तो आप मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। उसको करने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्रिकेटर का कुछ बॉलिंग एवरेज था, वो अप टू सेकेंड लास्ट मैच तक था, क्योंकि हम ये ज्यूम कर लेंगे कि जिस इनिंग में उसने विकेट्स लिए होंगे आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा कि उसने 26 रन दिए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं। मीन्स उसने अगर 26 रन दिए और 5 विकेट लिए तो लास्ट मैच हम उसका ये मान लेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि इसके बाद वो कोई मैच नहीं खेलेगा। तो अब हम एवरेज लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद इस मैच को खेलने के बाद जो कुछ उसके बॉलिंग में चेंजेस होंगे वो कंप्लीट को चेंजेस बताएंगे। मींस वो अप टू लास्ट मैच तक के चेंजेस आएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई मैच देख रहे हो, आपके सामने किसी बॉलर का नाम आया तो उसके नीचे उसका स्टेट्स आता होगा। स्टेट्स मींस कि कितने मैच में अब तक कितने विकेट ले चुका है। तो जैसे ही ये मैच लेगा तो ये टोटल को रिफ्लेक्शन कर देगा, टोटल को रिफ्लेक्शन कर देगा, तो जो टोटल का एवरेज था वो या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब बात आती है बढ़ने और घटने की। तो कभी भी अगर किसी बॉलर का एवरेज घटे, डिक्रीज हो, तो इसका मतलब है कि बॉलर अच्छा कर रहा है, बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसकी। कैसे भाई? क्योंकि बॉलिंग का एवरेज होता क्या है, हमें दो चीजें दी हैं, रन और विकेट। तो हम कहेंगे एवरेज है रन पर विकेट। अब कोई बॉलर अच्छा कब होगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा विकेट लेगा और कम से कम रन देगा। मीन्स अगर किसी भी नंबर का न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर बढ़े तो जो वैल्यू आती है वो कम आती है, तो इसका मतलब एवरेज कम होगा। बोलो, बात समझ में आती है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे लिखना शुरू करना है। मेथड आपको पता है एवरेज के मेथड को किस तरीके से करते हैं जब हमें मिक्सचर एलिगेशन से सोल्व करना हो। तो बॉलिंग एवरेज है 12.4, मैंने यहाँ पे लिख लिया 12.4। अब उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए तो ये एवरेज आया 5 5 25, 5 2 10, 5.2। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसका जो एवरेज था वो इम्प्रूव हो गया, मीन्स कम हो गया। तो कम हुआ कितने से? 0.2 से। 0.2 से अगर कम हो जाएगा तो अब तक कितना एवरेज हुआ करता था? 12.4। तो अब एवरेज हो जाएगा 12.2। तो ये होगा टिल लास्ट मैच तक का। टिल लास्ट मैच तक का। तो अब एक वैल्यू ज्यादा है, एक कम है, आपको ज्यादा में से कम को घटाना है। तो यहाँ आएगा 0.2। 12.2 में से जब 5.2 घटाएंगे तो आएगा 7। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, बीच में आ जाएगा रेशियो। तो अगर ये 35 विकेट इसने लिए हैं अप टू सेकेंड लास्ट मैच तक, तो एक विकेट ले रहा है वो अपने लास्ट मैच में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने लास्ट मैच में तो 5 विकेट लिए हैं, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करो और 35 की भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 175। बोलेगा द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच से पहले तक उसने कितने विकेट्स लिए हुए हैं? 175। इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इनके इनिशियल्स लिखने हैं आपको, पूरा पूरा आपको नाम ना किसी डे का लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एवरेज लिख रहे हो 48 तो आप टोटल भी निकाल सकते हो बेसिक से, लेकिन टोटल बाद में निकालेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज है वो 52 है। तो आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूँ, कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो, जैसे यहाँ पे हमें 4 डेज का अलग अलग दिनों का हमें सम करके हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें एवरेज मिला 48। यहाँ पे भी हमने 4 अलग अलग डेज का
सम किया उनके टेम्परेचर का और फिर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला एवरेज 52। जब एलिमेंट्स बराबर हैं चार चार, तो कॉमन एलिमेंट देखने हैं आपको कितने हैं, जैसे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, तो आप डायरेक्ट इनको काट दो, आपको दो चीजें दिख जाएंगी, एक दिखेगा मंडे एक दिखेगा फ्राइडे। अब देखो कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी है, भाई ज्यादा किसके पास है, फ्राइडे के पास, तो फ्राइडे ज्यादा होगा मंडे से, तो फ्राइडे माइनस मंडे, इनका आपने सब्ट्रैक्शन किया 4 आया, इनटू में टोटल कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, टोटल चार चार दिन थे, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको डिफरेंस पता लग गया, फ्राइडे और मंडे का डिफरेंस है 16। फ्राइडे और मंडे का कितना डिफरेंस हुआ, 16। अब ये चीज हम कैसे कर पा रहे हैं, क्या अगर मेरे को टोटल निकालना होता तो क्या मेरे को 48 × 4 करना होता, बिल्कुल। क्या अगर मेरे को यहाँ पे टोटल निकालना होता क्या 52 × 4 करना होता। अब देखो जिंदगी में ना ऐसे बहुत से पल आएंगे जब कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, अब यहाँ पे वही पल है आपके सामने, या तो एक बच्चा होगा जो इसकी मल्टीप्लाई कर देगा और फिर सब्ट्रैक्शन करेगा, और एक होगा जो स्मार्ट वर्क दिखाएगा कि अगर मेरे को इस वैल्यू में से 48 × 4 सब्ट्रैक्शन करें तभी तो मुझे फ्राइडे माइनस मंडे मिलेगा, तो वो जो वैल्यू होगी 4 कॉमन लेने के बाद क्या 52 − 48 होगी, और क्या यही मैंने आपको बताया है, क्या यही ट्रिक बन गई हमारी, बिल्कुल यही ट्रिक बन गई। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, तो आपको मिल जाएगा 4 × 4 16। कह रहा है आपसे कि मंडे का टेम्परेचर है आपका 42, तो मंडे का टेम्परेचर 42 है, मंडे की वैल्यू जब आप राइट साइड को भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो फ्राइडे की वैल्यू आ जाएगी 56, 58, 42 एंड 16 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। बॉक्स बढ़िया सा बना देते हैं आप लोगों के लिए, ये लीजिए, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए में, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है, ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रंस अमंग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg, एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg, वेट ऑफ फादर इज 60 kg, वेट ऑफ मदर पूछ रहा है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आया, फैमिली के पास में दो बच्चे हैं, अगर इन दो बच्चों का एवरेज हम देखते हैं मदर के साथ, तो मैंने कहा चिल्ड्रन वन है ना, नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक बच्चे का नाम है सोनू, एक बच्चे का नाम है मोनू, और उनकी माताजी, यहाँ पे इन तीनों की बात अगर होगी तो एवरेज की बात बोल रहा हूँ मैं, एवरेज इनका कितना है 50 kg, वेट की बात है, लेकिन एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन यानी वही सोनू और मोनू, ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मी के बच्चे अलग हों और पापा के अलग हों, वही दोनों बच्चे रहने वाले हैं, इनका वेट वेट आप किसके साथ देख रहे हो, फादर के साथ देख रहे हो, तो आपको एवरेज मिलता है 52। अब इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, तीन, इसके अंदर भी कितने हैं, तीन, कॉमन कौन से हैं, दो, उनको काट दो, जो ज्यादा दिख रहा है उसको पहले लिखो, कम वाले को बाद में लिखो, और इनका सब्ट्रैक्शन कर लो पहले, टोटल कितनी वैल्यू थी तीन, उनसे मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 6। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप इसका टोटल निकालो, टोटल कैसे निकालोगे, टोटल के लिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, है ना, अब आपको समझ में आएगा, अगर मेरे को टोटल निकालना होता तो मुझे क्या करना होता, 50 × 3 करना होता और 52 × 3 करना होता। अब हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और, ऐसे आप करो, कैलकुलेशन किसी और को करके दिखानी है, कंपटीशन कम करना है तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दो, और जब आपको करनी हो तो 3 कॉमन ले लो, 52 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही हम इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो मैंने लिखा हुआ है। अब आपको इनमें से एक की वैल्यू दी होगी, वो बोल रहा है फादर 60 kg के हैं, तो 60 − m की वैल्यू 6, मदर की वैल्यू जो वेट में आएगी वो आ जाएगी 60 − 6, दैट इज इक्वल टू 54 kg। आई होप कि बातचीत समझ में आ गई आपको,
तो हमने देखा कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं, तो हम चाहे फिर यूपीएससी का, सीसेट का एग्जाम हो या दुनिया का कोई भी पेपर हो, सब हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, ये भी यूपीएससी सीसेट है। हाँ, ईयर मेंशन नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप करके देखें इस क्वेश्चन को। कह रहा है देयर आर 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, सभी के सभी ओड हैं। इफ 39 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द 13th नंबर। तो अब आपको बताना है, देखो अगर मैंने बोला कि एवरेज, जब इवन नंबर के बारे में बात करेंगे, ओड नंबर के बारे में बात करेंगे, या ऐसा जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज मिडिल टर्म होगी। जब एवरेज स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहली पिक आपको यही दिखाई थी और यही बात मैंने आपको समझाई थी। देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक, ये कह रहा है आई एम समवेयर इन द मिडिल। एवरेज का मतलब क्या था? मिडिल में था। तो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले मैंने आपको यही बात क्लियर कराई। तो अगर आपको ये बात अब क्लियर है, तो वापस से आते हैं हमारे सवाल पे। हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 35 है। यस। तो अब देखो मैंने क्या बोलना है, मैंने आपको एक बात बतानी है। क्या भाई? कि अगर 13 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 13 नंबर्स हैं, तो अगर 13 नंबर्स हैं तो मैं बोलूंगा कि भाई शुरू के आप 6 छोड़ दो और लास्ट के आप 6 छोड़ दो, है ना। 6 and 6 विल मेक 12। तो जो बीच में जो लिखा हुआ है ना, वही आपका एवरेज है। ये एवरेज किसका है? 13 नंबर्स का। लेकिन वो बोल रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 की बात कर रहा है, तो पहले 5 में तो यही नंबर होगा। अब इसका मीन कितना बोल रहा है? ये मीन बोल रहा है 39। मीन मतलब यहाँ पे एवरेज, ठीक है ना। 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर्स। तो थर्ड नंबर मुझे पता लग गया 39 है, तो वो बोल रहा है कि आप बताओ कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर्स। तो मुझे 7th नंबर पे पहुंचना है, तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा दोस्त कितना 43, ये हो गया 45 और ये हो गया जी 47। कितना आसान सवाल था, है ना। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए। एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑफ इक्वल एज। ये सिविल सर्विसेज 2020 का, जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, सभी के सभी स्टूडेंट्स कितने हैं? इक्वल एज के हैं। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज 20 ईयर। एक बच्चे और एक टीचर की एज का डिफरेंस है 20 ईयर, देन द एज ऑफ टीचर इज। चलिए फटाफट से बताओ भैया, फटाफट से, जल्दी से, है ना, सुपर फास्ट तरीके से कोशिश करो करने की, आएगा आपको 100% आएगा। चलो इसमें हमने टाइमर लगा दिया, 40 सेकेंड्स हैं आपके पास। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपको पता है कि टीचर में से अगर स्टूडेंट की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ईयर आएगा। यहाँ पे लिखा है टीचर एंड दैट ऑफ अ स्टूडेंट इज 20 ईयर, मतलब अगर वो टीचर की एज बोल रहा है तो एक स्टूडेंट की एज पता लग सकती है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेता हूँ, इसके हिसाब से स्टूडेंट 5 साल का होगा, इसके हिसाब से स्टूडेंट 10 साल का होगा, इसके हिसाब से स्टूडेंट हो जाएगा 15 साल का। बोलो इतनी इतनी एज हो सकती है स्टूडेंट की, मतलब अगर स्टूडेंट अगर 25 ईयर का है तो टीचर उससे 20 ज्यादा है, 15 से 20 ज्यादा, 10 से 20 ज्यादा, 5 से 20 ज्यादा। अब एक बच्चा तो है नहीं, बच्चे कितने हैं? 3, और तीनों की एज इक्वल है ये भी बोल रहा है। तो मेरे को ये पता है अगर टीचर और 3 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 है तो टोटल मेंबर हुए 4, और 4 का अगर एवरेज 20 है तो टोटल होगा 80। तो मेरे को क्या करना है, बस इनटू इसको करना है 3, क्योंकि 3 बच्चे हैं और सबकी एज बराबर है। बस अब हम क्या देखेंगे, हम हिट एंड ट्रायल से ये देखेंगे कि किसका सम 80 है और किसका सम 80 नहीं है। जैसे 15 3 45, 45 and 35 80 होता है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज नॉट इक्वल टू 80, यहाँ से आया 30 और 30 60,
यहाँ से आया 15 और 25, 40, ये भी नोट इक्वल टू 80 है। तो आपको समझ में आई बात, आप ऑप्शन से भी किसी क्वेश्चन को कर सकते हो, तो ये भी अप्रोच आपको आनी चाहिए कि अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। ये कह रहा है ए और बी दो क्लास हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स ऑब्टेंड स्टूडेंट हमें पता है। मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट स्कोर ए क्लास से 21 नंबर था और लोएस्ट था 21, और बी क्लास का हाईएस्ट है 30 और लोएस्ट है 22। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ए क्लास के लिए जो एवरेज होगा, जो क्या होगा भाई, ए क्लास के लिए जो एवरेज होगा वो 17 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 21 से कम होगा, और बी क्लास के लिए जो एवरेज होगा वो 30 से कम होगा लेकिन 22 से ज़्यादा होगा। अब कोई भी एंट्री अगर मेरे पास आती है जो कि 22 से कम है, मान लेते हैं हाईएस्ट ही आया, चार बच्चे थे और चारों के हाईएस्ट मार्क्स रहे होंगे कितने, 21, किससे, क्लास ए से, क्योंकि क्लास ए से चार स्टूडेंट आए हैं, किसमें, बी में। तो अगर 22 से कोई वैल्यू कम आती है तो वो टोटल में कमी लाएगी, और टोटल जो कम जाएगा वो एवरेज में भी कमी लाएगा। टोटल में कमी मींस कि पहले जो भी टोटल रहता अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 22 से ज्यादा रहता, अब जो होगा वो 22 से कम हो जाएगा क्योंकि जो एंट्री आने वाली है वो 22 से कम की आने वाली है। तो ऑब्वियसली एवरेज जो जाएगा पहले से थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा डेफिनेटली ये बता नहीं सकते, लेकिन एक बात कंफर्म है कि एवरेज स्कोर ऑफ बी क्लास विल डेफिनेटली डिक्रीज, मींस ओनली ऑप्शन वन इज करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस में टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 तो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो हम बोलेंगे ओनली टू, ओनली टू तो गलत है क्योंकि एवरेज स्कोर ऑफ ए डेफिनेटली इंक्रीज नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 नहीं होता तो मैं कहता नाइदर वन और टू, क्योंकि 3 स्टेटमेंट नहीं है ना भाई, तो 3 नहीं रहा होगा, वहाँ 1 रहा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया। ये भी क्वेश्चन हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा है एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज, फर्स्ट 4 डेज कोई भी दिन हो सकते हैं, वाज रिकॉर्डेड 0.40 इंच। तो मैंने फर्स्ट 4 डेज का नाम लिख लिया यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज था 0.40, ठीक है, और ये इंच में है तो टोटल भी निकाल सकते हैं, हम देखेंगे आगे टोटल की जरूरत है या नहीं। रेनफॉल ऑफ द लास्ट 2 डेज वाज इन रेशियो 4:3, तो ट्यूसडे और वेंसडे का 4:3 में रेनफॉल है, ये हमें दिया है। एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.50, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है जी, ये टोटल 7 डेज होते हैं, इसने 6 बोले हैं तो हम फ्राइडे तक ही लेंगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 6 डेज हो गए, और इन 6 डेज का जो एवरेज है आप लिख लीजिए 0.50। अब जरा सोचिए कि अगर हम इस पूरे में से जो 6 डेज की वैल्यू है, अगर हम 4 डेज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए पहले टोटल निकाल लेते हैं, इनटू 4 किया मैंने तो 4 4 होता है 16, 1.6 आ गया, इनटू मैंने यहाँ पे किया 6 तो ये आ गया 3.0। अगर हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सारी वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएंगी। जल्दी से बताइए क्या इतनी बात समझ में आई जी। तो हमारे को जो 2 वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी केवल थर्सडे की और फ्राइडे की, जो होंगी कितनी, थर्सडे प्लस फ्राइडे का जो टोटल होगा वो होगा 3.0 माइनस 1.6, ये वैल्यू आ गई 1.4। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट 2 डेज, जब तक हमने स्टेटमेंट आगे नहीं पढ़ी थी तब तक वो लास्ट 2 डेज थे, तो
ट्यूसडे और वेंसडे, क्योंकि लास्ट 2 डेज बोल रहा है, तो वो लास्ट 2 डेज भी कौन से होंगे, थर्सडे और फ्राइडे। तो ये ट्यूसडे वेंसडे ना होके ये होंगे थर्सडे रेशियो फ्राइडे, इतनी सी बात हमें समझनी होगी। तो थर्सडे और फ्राइडे का जो रेशियो है वो 4:3 है। अगर ये रेशियो 4:3 है, जिसमें इनका सम आता है कितना, 4 1.4। जल्दी से अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज रेनफॉल इन सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज। तो नाम लिख लेते हैं डेज का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये 6 डेज मैंने क्यों लिखे, क्योंकि इस सवाल में आगे लिखा हुआ है 6 डेज। तो मैंने सवाल को अब शुरू से पढ़ा, बोल रहा है फर्स्ट 4 डेज का जो एवरेज है रेनफॉल वो 0.40 इंच है। मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज रेनफॉल है 0.40। तो क्या आप टोटल बता सकते हो, 0.4 × 4 कर देंगे, क्योंकि 4 ही डेज की बात हो रही थी, ये आ गया 1.6 इंच। आगे देखिए, लास्ट 2 डेज कौन से होंगे दोस्तों, थर्सडे और फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे का जो रेशियो है रेनफॉल का वो 4:3 है। बोल रहा है एवरेज ऑफ 6 डेज, 6 डेज का एवरेज, मीन्स इन सब का एवरेज की बात कर रहा है वो। जो कितना है, 0.5। अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाहूँ तो 0.5 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, तो कितना आ जाएगा, 3। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपके सामने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी थर्सडे और फ्राइडे की ही आएगी, जो होगी 1.4। कैसे आएगी 1.4, क्योंकि जब पूरे 6 डेज की वैल्यू थी 3, उसमें से हम इन शुरू के 4 डेज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.4 आ जाएगा। अब 1.4 का जो रेशियो है वो 4:3 है। कैसा है वो, 4:3, एक थर्सडे और एक फ्राइडे है। तो वो पूछ रहा है फिफ्थ डे का, फिफ्थ डे कौन सा होगा, 1 2 3 4, फिफ्थ फिफ्थ डे होगा थर्सडे। तो थर्सडे की जो वैल्यू होगी 4 out of 7 होगी, इनटू में 1.4 कर देंगे, 7 2 14 और 4 2 कितना हो गया, 8। तो 0.8 आ गया, 0.80, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसान था इस सवाल को करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस एवरेज चैप्टर को अब तक कवर किया है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, अब आपसे मुलाकात करेंगे एक अगले चैप्टर में। तब तक मेहनत करनी है, जम के पढ़ाई करनी है, और एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप